हाँ गोविंद जी, जी आप सर। नवोदय के उत्पादन हैं? नहीं सर, ये नवोदय अलग है सर, ये प्राइवेट स्कूल है कोटा में अच्छा, विदुर नवोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, ही। जी आपने सर, आईआईटी बॉम्बे से किया? जी सर। आईआईटी बॉम्बे है या मुंबई है? ये सर बॉम्बे था पहले, अभी भी बॉम्बे ही है, पर शहर का नाम मुंबई हो चुका अभी। कॉलेज का नाम अभी भी बॉम्बे ही है, जी सर, आईआईटी बॉम्बे। तो जी आपने सर, मेटलर्जिकल और मेटेरियल साइंस में बीटेक किया आईआईटी बीटेक। बॉम्बे से जी सर, 2013 में, हाँ सर, और 2017 तक आप थोड़े दिन बैंक में रहे, और जी उसके सर, बाद आरपीएससी में एलडीसी है अजमेर में, है जी सर, ना? वर्तमान में। तो 2013 में आईआईटी करने के बाद क्या मेटलर्जिकल साइंस में अपने यहाँ पर स्कोप नहीं है क्या? नौकरी नहीं मिलती? नहीं सर, स्कोप देखा जाए तो मेटलर्जिकल साइंस में अदर स्ट्रीम से कम है। इसमें एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है गेट का, वो मैंने दिया था, पर जो कंपनियां हैं उनकी वैकेंसी इतनी आ नहीं पाई। जी तो गेट के एग्जाम से नौकरी मिलती है क्या? सर, ये पीएसयू वगैरह जो हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज, उनमें गेट के थ्रू ही एडमिशन होता है। नहीं, गेट के और सर, अलावा ले लेते हैं, वो तो कैंपस इंटरव्यू से ही ले लेते हैं बिना जी सर, कैंपस। कैंपस इंटरव्यू सर 13 से 12 तक थे कैंपस इंटरव्यू, डायरेक्ट कंपनियां प्लेसमेंट करती थी। तो गोविंद जी, मुझे पर का तो ये नेगेटिव जा रहा है कि आप 2013 में बीटेक किया आपने आईआईटी बॉम्बे से, जो कि एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जी सर, के बाद 7 वर्ष तक आपने कुछ भी नहीं किया आरपीएससी में। कब से हैं आप? आरपीएससी में मैं अभी मार्च 2020 से ज्वाइन किया है मैंने। ये जो पुराना जो वो एलडीसी का हुआ था उसमें हुए थे क्या? जी सर, अच्छा, आपका सिलेक्शन हो गया मतलब। हाँ सर। सर एक रीजन ये भी है कि मैंने कॉलेज के दिनों में मुझे लगा कि इंजीनियरिंग मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है, और साथ में जो सीनियर्स थे और साथ में जो रिलेटिव्स थे अंकल, तो शुरू से मेरा हाँ, रुझान सिविल सर्विस में आने का था, तो वहीं से मैंने मन बना लिया था कि इसी फील्ड में जाना है। चलो, तो भारतीय विज्ञान के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, प्राचीन भारतीय विज्ञान, जी सर, कुछ जानकारी है। जी ये जो वैमानिक कला है, एरोप्लेन एरोप्लेन साइंस, इसके सर, बारे में प्राचीन भारत के इतिहास में खूब शोध हुए हैं। तो ये वैमानिक कला के रामायण महाभारत के अलावा कहीं प्रसंग आपको सुनने को मिले क्या? सर एरोप्लेन टेक्नोलॉजी? भारत के परिप्रेक्ष्य में याद नहीं है सर, जानकारी में नहीं। अच्छा, अब आजकल नए नए कोच बनने लगे हैं इंजीनियरिंग, इसके रेलवे के, जी राजस्थान सर, में कहीं बन रहे हैं क्या? रेलवे के नए कोच? हेलो। चलो कोई बात नहीं, टॉलेमी, ये उल्टा हो गया। टॉलेमी जी के सर, बारे में पढ़ा है हमने कभी? टॉलेमी कौन था? टोलेमी नहीं सुना सर, सॉरी नहीं सर। सुना? कॉपरनिकस के बारे में सुना? सर कोपरनिकस एक खोजकर्ता, अनुसंधान करता थे, यात्री भी थे जिन्होंने क्या खोज की और कहाँ की यात्रा की? ना सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद कंपास की इन्होंने खोज करी थी। कोपरनिकस एक स्केल है, वैज्ञानिक मानक है। सर पक्का? कंफर्म नहीं हूँ, पर कंफर्म आप नहीं हूँ कंफर्म? सर, पर ठीक है, ये मानव शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रक्त संचरण प्रणाली, जी सर, इसके बारे में शोध किसने किया? रक्त संचरण, ये सर जानकारी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। अपना योग दिवस किस तिथि को, किस तारीख को मनाया जाता है योग दिवस?
चलो गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? गांधी जी के बारे में? गोविंद जी हो गई आवाज ऑन करिए। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ जी गोविंद जी, सर गांधी जी के बारे में माफ कुछ जानना चाहूंगा। गांधी जी के बारे में? जी सर। गांधी जी कहाँ के निवासी थे, मूल निवासी? सर गांधी जी पोरबंदर गुजरात के निवासी थे सर। ये पोरबंदर कहाँ पर है सर? गुजरात में। गुजरात में किस किस प्रदेश में है, किस क्षेत्र में है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? सर अहमदाबाद के पास ही सर, अहमदाबाद के पास ही है। कितना याद दूर नहीं है, कर पा रहा। कितना किलोमीटर होगा अंदाज लगाइए, पास तो नहीं है? 50 किलोमीटर जहाँ बस तक जानकारी है सर। बस यार, ये तो बहुत कम बताया आपने। आप इसको देखना, ठीक है। अच्छा गांधी जी के बचपन की कुछ बातें उन्होंने अपनी सत्यकथा में लिखी है, बायोग्राफी में, जी सर। जी सर। कुछ याद है आपको एक दो? हाँ सर, गांधी जी बचपन में सर उनकी जैसे कि ऑटोग्राफी सत्य के मेरे प्रयोग ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने मेंशन किया है कि कई बार, एक बार उनकी घटना थी कि उन्होंने झूठ बोला था कि, तो उन्होंने उन्हें खुद दुख हुआ था पिताजी को, वो बात नहीं बताए थे, तो पिताजी ने उनको डांटने की जगह अपने स्वयं को पीड़ित अनुभव किया और इस चीज को गांधी जी ने समझा था। झूठ बोला? क्या झूठ बोला था उन्होंने? शायद उन्होंने सर जहाँ तक कि सेवन किया था तंबाकू का। और कोई याद आ रही घटना? और घटना एक उनके माताजी के परिप्रेक्ष में, जब माताजी के बारे में गांधी जी ने क्या कहा? माताजी के बारे में उन्होंने सभी याद नहीं कर पा रहा सर। चलो थोड़ा भारत के बारे में तो जानकारी होगी आपको। जी सर। ये ऐसा कहते हैं कि प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री जी सर। कौन थे? सर प्रथम पुरुष राष्ट्रपति, जैसा कि भारतीय संविधान में माना जाता है। नहीं, मेरे मैं गलती हो गई। सृष्टि की उत्पत्ति के समय प्रथम पुरुष और प्रथम नारी किसको उत्पन्न किया, क्या नाम थे उनके? सृष्टि की उत्पत्ति जिनके माध्यम से हुई। सर जानकारी नहीं सर। भारत को भारत क्यों कहते हैं? सर राजा भरत के नाम पे इसका कौन कहा से जाता है सर। सर जी सर। कौन से वंश का राज? सर वंश पता नहीं सर। चलो अब और आगे चलते हैं अपन। आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ा होगा आपने, टीम में, मेन में, है जी ना? सर, सर। ये किसकी प्रेरणा से आजाद हिंद फौज का गठन हुआ? सर ये रास बिहारी बोस जो जापान में थे, वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध। वेरी गुड। ये कहाँ पर गठित की गई? सर टोक्यो में सर, जापान में ही इसका गठन हुआ था सर। सुभाष चंद्र बोस भी इसके पीछे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा कहते हैं कि गांधी जी ने ही भारत को स्वतंत्र कराया, जी क्या सर। सहमत हैं आप इस बात से? जी सर, एक व्यापक स्तर पर देखा जाए तो उनका एक बहुत प्रभावी योगदान रहा है। सिर्फ उन्हीं का नहीं रहा, मैं इस पर पूर्ण सहमत नहीं हूँ। हमारे और भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय। तो अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो गांधी जी जो मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी का संघर्ष काफी। इनका इतिहास पढ़ा नहीं, इसका मतलब ठीक से?
अच्छा बताइए, जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में? जी सर, ये एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य थे और अनेक आंदोलन में गांधी जी के साथ इन्होंने कई आंदोलनों को नेतृत्व किया सर। सवाल मेरा, 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले पर झंडा फहराया गया तो राष्ट्रपिता को कहाँ थे? सर उस समय ये बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, वहीं पे गांधी जी उस समय वहीं पे थे, ठीक है, शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है गोविंद जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जी गोविंद जी, आवाज आ रही मेरी? नमस्ते सर। जी सर, सुन पा रहा हूँ। नमस्ते। सर ने प्रश्न पूछा था, मैं भी थोड़ा सा उसको चेंज करके पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप बीटेक इंजीनियर हैं और जी सर एलडीसी की जॉब कर रहे हैं आप? जी सर। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ये आपकी योग्यताओं का मिसयूज हो रहा है या हनन हो रहा है? जी सर, सर मेरा प्रयास ग्रेजुएशन के बाद से ही सिविल सर्विस में जाने का रहा है। इसी बीच सर मैंने ये एलडीसी ज्वाइन करी थी एज बैकअप और आर्थिक स्थिति को देखते हुए। मैंने एलडीसी ज्वाइन किया है वो मैंने आरएस एग्जाम के बाद किया है सर, ताकि थोड़ी आत्मनिर्भर बन सकूं। मेरे पास ऑप्शन था इसलिए मैंने सर ये ज्वाइन कर लिया, बाकी मेरे प्रयास अभी भी मैं प्रयासरत हूँ। तो बीटेक इंजीनियर के लिए तो और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन रहे होंगे आपके पास, तो फिर एलडीसी क्यों चुनना पड़ा आपको? सर वो इंजीनियरिंग में मुझे लगा कि मुझे सर शुरू से ही आसपास का जो माहौल रहा, सीनियर्स वगैरह को देख के मैं मोटिवेट हुआ, उनका जो सिलेक्शन हुआ उनका उनसे बात करी तो महसूस हुआ कि इंजीनियरिंग कोर सब्जेक्ट नहीं है मेरा, जनता से एक जुड़ाव से संबंधित फील्ड में जाने का सर मानस था, तो उसी दिशा मैंने सिविल सेवा को एक बेहतर विकल्प के रूप में चुना। तो फिर बीटेक की तैयारी व्यर्थ हो गई पूरी? सर ग्रेजुएशन के दौरान सर काफी चीजें सीखने को मिली, तो कहीं ना कहीं उनका उपयोग मैं कर पाऊंगा प्रशासन में अगर जाता हूँ तो। क्या योग हो गई उपयोग होगा थोड़ा सा बताइए मुझे। सर बीटेक में एक तो सर हम किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आ जाता है इसमें, अपन काफी समस्या का एक तार्किक सॉल्यूशन समाधान करने का प्रयास करते हैं, एक तार्किक सोच का विकास होता है और एक जहाँ तक मैं समझता हूँ एक तर्कशील व्यक्ति अच्छा निर्णय कर पाता है अगर प्रशासन में वो जाता है तो। इसके अलावा जो मतलब आपको लगता है कि जो लोग बीए या बीएससी करते हैं या एमबीबीएस वो तार्किक नहीं होते हैं, केवल बीटेक वाले ही तार्किक होते हैं? नहीं सर ऐसा मैं नहीं समझता, वो भी तार्किक हो सकते हैं पर कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो एप्टीट्यूड लेवल और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है एप्टीट्यूड है वो कहीं ना कहीं बीटेक स्टूडेंट का या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट का बेहतर होता है। तो फिर तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि फिर हमें ऐसा कर देना चाहिए कि आरएस बनने के लिए न्यूनतम योग्यता बीटेक, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा तार्किक लोग मिलेंगे देश को राज्य को। आईएएस बनने के लिए न्यूनतम योग्यता बीटेक या एमटेक, तो ऐसा कर दें हम? नहीं जी नहीं सर, इसमें तो आरएस में तो या फिर सिविल सेवा में सब जो सभी फील्ड में पारंगत हो उसी की आवश्यकता है और वो ग्रेजुएशन पर डिपेंड इतना नहीं करता, बस मैंने अपनी बात तुलनात्मक रूप से रखी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं देख रहा था कि आपने चार चार हॉबी पाल रखी है अपनी, आदमी तो एक हॉबी के लिए टाइम ही निकाल पाता आज के जमाने में। सर हॉबी मेरी एज सच कोई विशेष हॉबी नहीं है, मैं नॉर्मली पढ़ना लिखना घूमना क्रिकेट खेलना हॉकी खेलना कोई विशेष हॉबी नहीं है। नहीं तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि एक हॉबी के लिए समय नहीं मिलता, अभी पीछे कैंडिडेट थे उन्होंने कहा सर कोई हॉबी नहीं हमारी टाइम नहीं मिलता, और आपको मैं देख रहा हूँ कि चार चार हॉबी आपने पाल रखी है, तो केवल हॉबी पूरी करेंगे दिन भर या कुछ काम भी करेंगे प्रशासन में आएंगे तो? सर ये हॉबियां अभी रेगुलर नहीं है सर, जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो हॉबी
जनरली पढ़ाई में वक्त दे पाता हूँ। ये हॉबीज तो अगर हम फ्री टाइम पे रहते हैं तो उस टाइम पे सब में क्रियाकलाप जो भी कर पाता हूँ उसमें। कौन सी चार प्राथमिकता टीमें अभी आईपीएल में फाइनल जो कहें कि सिलेक्ट हुई हैं, टॉप फोर कौन टीमें हैं? तो सर मुंबई इंडियंस से, के हैदराबाद किंग 11 पंजाब, और सर मैं एक याद नहीं कर पा रहा के क्या आ रहे सर टीम केकेआर सर। है, कलकत्ता नाइट राइडर्स है। सर मैं अभी मैच देख नहीं पाया कुछ दिनों से सर। अरे हॉबी है आपकी तो क्रिकेट खेल दे, खेल क्रिकेट खेलना और देखना सर दोनों हॉबी है। अच्छा दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स है सर। अच्छा। आईपीएल की तर्ज पे देख रहा था कि श्रीलंका की भी प्रीमियर लीग है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कुछ मुझे? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। अच्छा, उसकी भी कोई जानकारी नहीं है आपको। जी सर ये लाल गेंद और सफेद गेंद का क्या चक्कर होता है? सर लाल गेंद का इस्तेमाल सर सामान्यतः टेस्ट मैच में किया जाता है और सफेद गेंद का वनडे में। और गुलाबी गेंद भी एक होती है। जी सर गुलाबी गेंद का वर्तमान में प्रयोग अब टेस्ट मैच में किया जाने लगा है सर डे नाइट। क्यों ऐसा हो रहा है? सर इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, उसकी भी जानकारी नहीं है आपको। चलिए कोई बात नहीं। ये बताएं कि केरल ने अभी सीबीआई जांच के लिए जो आम सहमति थी वो वापस ले ली है, पता है आपको? सॉरी सर जानकारी नहीं है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप? सर। पढ़ता हूँ पर अभी कुछ वक्त से सर टाइम नहीं दे पा रहा सर। कुछ वक्त से आप टाइम नहीं दे पा रहे, जो आप सबसे बड़ी आपके सामने एग्जाम है उसी के लिए आप टाइम नहीं दे रहे हैं? सर पढ़ता हूँ न्यूज पर केरल के आपका बारे सपना, में। आपने कहा बीटेक के दौरान आपको ये आभास हुआ कि आरएएस अधिकारी बनना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, लेकिन उसके लिए तैयारी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप कैसे बनेंगे? जी सर सर इस न्यूज के बारे में सर जानकारी नहीं है केरल वाले के बारे में। अच्छा चलिए, और एक न्यूज बताइए कि सेना में जो टॉप लेवल ठीक के है अधिकारी हैं उनकी वो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जा रही है, उसकी बात चल रही है, इस न्यूज के बारे में तो जरूर जानकारी होगी आपको। सर इसके बारे में भी जानकारी नहीं सर। इसके बारे में भी जानकारी नहीं? चलिए तो अब आप अपनी तरफ से बताइए कि किस न्यूज के बारे में जानकारी है आपको। सर अभी जो मुख्य न्यूज है जैसे किसानों के जो बिल आए हैं अभी जो अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं सर। सर इस तरह की मुख्य न्यूज के बारे में जानकारी। चलिए, मुख्य न्यूज के बारे में जानकारी, ठीक है। किसानों के 3 बिल आए हैं, उन तीनों बिलों के नाम बताइए क्या है। सर किसानों के एक सरप्राइज एश्योरेंस वाला बिल है और एक ट्रेड एंड कॉमर्स वाला बिल है और एक आवश्यक वस्तु अधिनियम है। सर कंफर्म यही 3 नाम है? नाम एग्जैक्टली पता नहीं वो बिल किस बारे में ये पता है सर। अच्छा, जी सर अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में भी पता है आपको? हाँ सर उसके बारे में भी पढ़ा है सर। अच्छा, अगर किसी एक को बहुमत नहीं मिलता है, टाई हो जाता है, तब क्या होगा? सर जहाँ तक जानकारी है इसका निर्णय संसद नहीं, संसद की तो कोई भूमिका ही नहीं है वहां। सर जानकारी नहीं। अच्छा, जानकारी नहीं है आपको। चलिए ठीक है सर, राजेश सर। जी गोविंद जी नमस्ते। नमस्ते सर। SBI में काम किया आपने। जी सर SBI की स्थापना कब हुई थी? सर एक इसकी स्थापना सर SBI इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे हुई थी सर। शुरुआत में ये अंग्रेजों के टाइम से ही कलकत्ता में स्थापित हुआ था सर बैंक, फिर वहाँ से कलकत्ता मुंबई और मद्रास
जो चेन्नई बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया, और 1956 में इसी को ही बदलकर एसबीआई कर दिया गया सर। अच्छा, एसबीआई का लोगो किसने बनाया? सर सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं। किससे प्रभावित है ये लोगो, ये बता पाएंगे? जी सर सॉरी सर, सुन नहीं पा रहा जी। ये लोगो जो है किससे प्रभावित है, कोई झील है ऐसी, नाम बता पाएंगे उसका? जी सर झील, चलिए कोई नहीं। आरपीएससी के बारे में बताइए आप। जी सर, आरपीएससी का गठन कब हुआ था? सर आरपीएससी का गठन सर 1949 में हुआ था सर, अगस्त में। ये एक संवैधानिक संस्था है। कौन से अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में है लोक सेवा आयोग के प्रावधान? सर इसका अनुच्छेद 315 से 320 तक राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान। अच्छा जी सर, सदस्य होते हैं अध्यक्ष के साथ? अध्यक्ष सहित आठ, कुल आठ सदस्य होते हैं। अच्छा, अभी कोरम पूरा हो गया? पूरा ये सदस्य हैं जो पूरे साथ हैं? जी सर, अभी चार सदस्यों की नियुक्ति हुई है, कोरम पूरा अभी। नवीनतम जो चार सदस्य हैं उनके नाम बताइए। नवीनतम सदस्य में सर माननीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, रिटायर्ड डीजीपी हैं। इसके अतिरिक्त संगीता आर्य मैम और जसवंत राठी साहब जो कि पत्रकार हैं, और बी एल कटारा साहब हैं, और एक मैम मंजू शर्मा मैम। आरपीएससी कौन सी घाटी में, ये बताएंगे? सर गोगरा घाटी में स्थित है, अजमेर में, जयपुर रोड। ये बताइए, अभी ड्राई फ्रूट बहुत सस्ते हो गए और सब्जियां महंगी हो रही, क्या कारण है? सर सब्जियां महंगी होने का कारण तो हम सकते हैं मांग और आपूर्ति में संतुलन असंतुलन की वजह से समझ सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, सर ड्राई फ्रूट्स का जहाँ तक सर मैं प्रयास करना चाहूंगा, ड्राई फ्रूट्स महंगे होने के कारण ये हो सकता है कि लॉकडाउन में इनकी महंगा नहीं हुआ, सस्ता हुआ है। ठीक से सुनिए पहले प्रश्न, दीपावली ड्राई फ्रूट्स महंगा होता है और इस बार सस्ता हुआ है, जी सर क्या कारण है? सर मैं प्रयास करना चाहूंगा इसके उत्तर का, मुझे एग्जैक्ट कारण पता नहीं, पर जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स है वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक खराब नहीं होते, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में इनका स्टोर जमा हो सकता है, और अभी लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे सप्लाई होना चालू होगी एकदम से, तो सस्ते हो चुके। बाकी आप बताइए महंगाई क्यों बढ़ रही है? सर महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण तो एकदम से मांगों में उछाल आना, उस अनुपात में सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही। इसके अलावा सर उत्पादन से संबंधित भी, वो मांग से संबंधित है। चलो ठीक है, और निर्यात कौन जारी करता है महंगाई के? महंगाई का आगे सर सर एनएसओ जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, सर कंफर्म नहीं है। एनएसओ का चलो फुल फॉर्म बता दो। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में, जहाँ तक कंफर्म नहीं हो सर। आपने अमेरिकी चुनाव की जानकारी बताई, चलो अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया बेहतर है या भारत की? सर चलेंगे तुलना, सर भारत की चुनाव प्रणाली से कहीं पहले अमेरिका की चुनाव प्रणाली आ चुकी थी, वो शायद पहला लोकतांत्रिक देश था, वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है, और भारत मैं तो पूछ रहा हूँ बेहतर कौन सी है दोनों में? सर दोनों अपनी अपनी जगह सही है, कि अभी जहाँ तक भारत में भी सफलतापूर्वक इतने सालों से चुनाव संपन्न हो रहे हैं, और अमेरिका में भी इतने सालों से चले आ रहा है, और समय समय पर भारत की बेहतर है तो सर भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत के चुनाव प्रणाली बेहतर? वहां पर इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया अभी,
जी सर। और भारत में सत्ता हस्तांतरण हो जाता है, रिजल्ट आती जल्दी आता है रिजल्ट। हाँ सर। एक ये बताइए, आप कोटा कोटा के हैं? जी सर। कोटा में ये तकनीकी शिक्षा का ट्रेंड कब से शुरू हुआ था? सर ये दो दशक से तकनीकी शिक्षा का ट्रेंड चालू हुआ, जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में कोचिंगों की शुरुआत से माना जा सकता है। लगभग कितने स्टूडेंट्स आते होंगे बाहर से? सर बाहर से करीब 9-10 लाख करीब स्टूडेंट आ जाते हैं सर। कोटा की कुल आबादी का कितना परसेंट हो गए? सर कोटा की आबादी 11-12 लाख है, कोटा सिटी के अगर देखा जाए तो। एक लास्ट प्रश्न मेरा कि कोटा शहर है, उसमें ये जो कोचिंग वगैरह है या बाहर से जो लोग आते हैं, इनका आर्थिक तो फायदा है चलिए, लेकिन नुकसान बताइए। सर नुकसान कोचिंग नुकसान इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि यहाँ पे कोटा में सर भूमि की कमी है, क्योंकि इसके जो आसपास की भूमि है वहाँ पे नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क और नदी, कृषि भूमि क्षेत्र है, तो जो भीड़ बच्चों के आने से जो जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि वो सर कोटा की है सर। इसके अलावा जो आपराधिक तत्व है उनमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है, कोचिंग जो कोचिंग स्टूडेंट्स आते हैं उनमें काफी तरह के आपराधिक तत्व हैं। जी जी गोविंद जी। जी सर नमस्ते सर। नमस्कार सर, ये बताइए कि नैतिकता क्या होती है? नैतिकता ये सर नैतिकता अच्छा ये बताइए कि सामाजिक ये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्या होता है? सर एक सामाजिक जो कंपनी या कोई फर्म है उनका समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व होता है कि समाज के लिए अपने कुछ प्रॉफिट का समाज कल्याण के लिए उपयोग कर सकें, जो कि कानूनी तौर पर 2% सर अपना जो टर्नओवर है उसका सर 2%। इन दोनों में अंतर बता पाएंगे कि नैतिकता और सीएसआर में क्या डिफरेंस है? सर नैतिकता एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छे आदर्श, अच्छे कार्यों को समावेश करना, उन्हें कार्य रूप में परिणित करना नैतिकता कह सकते हैं सर, और नैतिकता का ही एक उदाहरण सीएसआर हम कह सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर एक सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना है जो कंपनी जिसमें न केवल प्रॉफिट के लिए काम करती है बल्कि अपने शेयरधारकों, ग्राहकों को भी एक उनका भी महत्व को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। ये बताएं कि राजस्थान में कितने मसाला पार्क है? मसाला पार्क जी सर, सर कुल संख्या तो याद नहीं है पर अभी कोटा में भी मसाला पार्क है, जयपुर में भी खुला है, अजमेर में भी, जहाँ समझ पा। अच्छा ये बताइए कि छत्र विलास उद्यान है आपके वहाँ? जी सर। कोई विशेष बात उसकी? सर 8वीं शताब्दी में सर बनाया गया था सर, राजा भीम सिंह उम्मेद सिंह के टाइम, जो किशोर सागर तालाब के किनारे है और इसमें छत्रियां भी है, छत्र विलास इसमें छत्रियां भी है सर, छत्रसाल हाड़ार जो राजपूत थे उनकी छत्रियां और उनकी याद में सर वो गार्डन बनाया गया था जिसमें ये छत्रियां बनी हुई है। ये चार चौमा शिवालय क्या है? चार चौमा शिवालय सर चार चौमासे वाला एक गुप्तकालीन मंदिर है कोटा के पास ही, और ये काफी प्राचीन मंदिर है। कोटा में सर्वाधिक किस देवता की मंदिर है? सर सर्वाधिक यहाँ माँ भगवान शिव शंकर माँ के मंदिर है, इसके अलावा कृष्ण भगवान के भी काफी मंदिर है। शिव जी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं?
एक तो जैसा कि चार चमा शिवालय है, इसके अलावा कांसुआ का मंदिर है जो मौर्यकालीन मंदिर है, चंबल के किनारे गेपरानाथ, गरड़िया महादेव जैसे फेमस मंदिर है सर, जो कि प्राचीन मंदिर है। कोटा में दशहरा का मेला कब पड़ता है? सर दशहरा का मेला ये दशहरे के दिन से धनतेरस के बीच में सर 15-20 दिन ये भरता है। तिथि क्या है, इसकी तिथि बताइए। अच्छा अंतिम सर प्रश्न मेरा जी ये सर बताएं कि कोटा में एक पंचायतन शैली का मंदिर है, पंचायतन शैली का मंदिर जी सर वो कौन सा है? सर सर कोटा संभाग में ये 12 जिले में भांड देवरा करके मंदिर है जो काफी 7वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। इसका पंचायतन शैली में है ये मंदिर है और सर। कोटा में, खुद कोटा में कोटा में में सर इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है जी उपाध्याय सर। हाँ जी गोविंद जी, जी सर कोई चीज मुश्किल नहीं है दुनिया में, जी ऐसा सर कहा जाता है, बुजुर्गों ने ऐसा कहा है ना। तो जी सर एक तो भारत के बारे में आप थोड़ा पढ़ें, अभी आपके पास समय है, आपके आरपीएससी में भी लाइब्रेरी है बहुत अच्छी है ना, जी सर बहुत सारी किताबें मेरी मंगाई हुई है वहां पर, आप उनको पढ़िए अच्छे से। और जी सर कुछ चीजें तो चेहरे पे आपके उत्साह क्यों नहीं है, आप आरएएस बनने जा रहे हैं, आपके चेहरे पे उत्साह क्यों नहीं है, रौनक क्यों नहीं है, एनर्जी क्यों नहीं है, चेहरे पे ऊर्जा सर नहीं है, क्यों सेलेक्ट करेगा कोई आदमी आपको, जी सर चेहरे पे लाने का ऊर्जा, प्रयास कर। चेहरे पे एनर्जी दिखाई देनी चाहिए, महत्वाकांक्षा दिखाई देनी चाहिए, एक उत्साह, एक जील दिखाई देना चाहिए, जी सर एक आप यू आर कैपेबल। अब आईआईटी बॉम्बे से आपने मेटलर्जी में बीटेक किया है, कोई छोटी मोटी इंस्टीट्यूट नहीं है, आपको गर्व होना चाहिए और वो गर्व, वो जी सर स्वाभिमान आपके चेहरे पे झलकना चाहिए, ठीक है। बाकी आपने जो जॉब के बारे में जवाब दिए वो करीब करीब ठीक थे, और न्यूज़पेपर की जानकारी आपको है ही नहीं, जी बहुत सर वो घबराहट हुई आपको। आरपीएससी के करंट मेंबर अफेयर्स पूछे आपने, आप आरपीएससी में कितने महीने से काम कर रहे हैं, 7 महीने 7 महीने में आपको ये नहीं लगा कि प्रत्येक सदस्य के आगे माननीय लगाते हैं, जी सर ऑनरेबल मेंबर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जी सर आपने सीधा सीधा ही बता दिया, मंजू शर्मा और संगीता आर्यर सीधा सीधा ही बता दिया, भूपेंद्र सिंह माननीय लगाना चाहिए आपको। जी सर ध्यान तो इस तरह की छोटी रखूंगा सर। बातें, न्यूज़पेपर वाला ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं है, क्षेत्र के बारे में थोड़ा ठीक जानकारी है, पॉजिटिविटी आनी चाहिए चेहरे पे, जी सर आपकी वाणी में दम होना चाहिए, आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो कुछ तैयारी करें, 3-4 बार मौका और दें आप, और जी सर अब मेरा पहला इंटरव्यू था इतने सालों में। आज से ही पढ़ेंगे, ठीक है, जी सर कम जी सर खाएंगे सोएंगे और आज से पढ़ना शुरू करेंगे, हमारी जी एडवाइस सर है आपको, बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद थैंक यू सर। जी गोविंद जी बिल्कुल जो सर कह रहे हैं मैं भी वही सारी बातें कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसी भी क्षण आप रो देंगे, कोई बहुत मारा पीटा है सुबह से किसी ने आपको कि बस जब मौका मिलेगा तो रोना शुरू कर देंगे आप। मतलब इतना डल कैसे कोई हो सकता है? इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के आप प्रोडक्ट हैं, ना कॉन्फिडेंस आप में, ना मतलब एनर्जी आप में, ना उत्साह, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे जी सर सबसे पहले तो इसी चीज को सुधारिए और दूसरा नॉलेज लेवल बढ़ाइए। न्यूज़पेपर बिल्कुल आप पढ़ नहीं रहे हैं, जी महीने सर डेढ़ उत्साह महीने बाद इंटरव्यू है, इतना ऑलरेडी रिजल्ट आए हुए टाइम हो गया है, वो इतना अनसीरियस है आपकी, ऐसे सपने थोड़ी पूरे होते हैं कि बिना पढ़े लिखे सपने हो जाएंगे पूरे, उसके लिए आपको झोंकना पड़ेगा अपने आप को। जी सर जी ये सर प्रयास करूंगा जी हाँ बिल्कुल जी प्रयास राजेश सर जी गोविंद जी जी सर जैसे सेवा में है उसका थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व पे असर होना चाहिए, ठीक है। आरपीएससी के माहौल से आप पूरी तरह परिचित हैं और जी सर सेवा में होने का एक अलग ही उत्साह होता है सरकारी सेवा में होने का। और एक देखिए आपने हॉबी हॉबियां बोला, हॉबियां तो ये क्षेत्रीय जो लहजा है आपका, ठीक है, शब्द जी ठीक करें और जानकारी का अभाव है ही,
और इसी की वजह से हो सकता है आपका आत्मविश्वास भी कम है। हाँ सर, वो करंट अफेयर्स का थोड़ा सर लग रहा है। करंट अफेयर्स नहीं, आपको सारे ही पक्ष मजबूत करने पड़ेंगे, ठीक है जी सर। उसके नंबर मिलेंगे वहां पे, एक पक्ष नहीं देखा जाता, ठीक है। बाकी सर बताइए। सर रोक रहा हूँ, एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ। एक हॉबी सोच लीजिए जो भी आपको रखना है, ये चार छह हॉबी नहीं होती किसी की, कोई एक हॉबी सोच लीजिए उसको फिर तैयार कर लीजिए ढंग से। क्रिकेट हॉबी है लेकिन कुछ भी बतानी है आपको, तो कोई एक हॉबी जो आपको वास्तव में चार में से लग रहा है बस एक हॉबी रखिए और उसको तैयार कीजिए फिर। जी सर वही सब बातें गोविंद जी, थोड़ा हॉबीज वाली बात सर बता चुके हैं, नॉलेज पार्ट को थोड़ा और अच्छा करिए, ठीक है जी सर, और अच्छा परफॉर्मेंस करें।